लोग बहुत सनक रहे हैं, अब समझ लो लास्ट चल रहा है एकदम। अब जो जो बोल रहे हैं ना ज्यादा, उन लोगों की दवाई होगा और क्या होगा। अथा सनकता तो लास्ट ऑप्शन अब अगलिया बागी है, और बागी के लोग हमेशा क्रांतिकारी होलन। वीडियो के शुरुआत में आप सभी ने जो जो बातें सुनी वो हमने नहीं कही, बल्कि इसे और ही शख्स की जुबानी है। ये शख्स पवन सिंह के नहीं बल्कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह के करीबी है, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बहन ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते रिश्ते से लेकर जो लोग दूसरे लोग आकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं उन्हें लेकर काफी कुछ कहा है। और उन्होंने गुस्सा इस पूरे मामले पर काफी हद तक जाहिर किया है, और क्या क्या कहा आइए सुनिए आप भी। अब लास्ट चल रहा है एकदम, हम लोग बहुत सनक गए हैं, अब आर पार का बात होगा बिल्कुल। और जो लोग बोल रहे हैं ना ज्यादा कि उनका इलाज होगा, दवाई होगा और क्या होगा, मेडिसिन दिया जाएगा उन्हें 500 mg वाला। और जो लोग ज्योति पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये तलाक पैसों के लिए लिया है या ले रही है, तो आप बलिया में आकर पता कर लीजिए हमारा कितना क्या जमीन है, पैसा है, कैसा घर है, कैसे हम लोग है। और अब माता सनका है तो लास्ट ऑप्शन बागी बनने का रह जाता है, हो जाएगा कुछ गड़बड़। जो ये शख्स बोले है ना कि ज्योति सिंह के ऊपर अक्षय सिंह को केस कर देना चाहिए, तो उसे तो अब पता चलेगा कि इसने क्या कहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पवन सिंह की टीम में किसी का हिम्मत नहीं कि उनकी इजाजत के बिना वो ऐसे कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोल जाए किसी के लिए। और अगर उस शख्स ने ज्योति सिंह पर ऐसे आके आरोप लगाए है या ऐसा कुछ कहा है जो नहीं कहना चाहिए, तो पवन सिंह को पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ना उनके परिवार में आता है ना किसी में, तो उसका क्या मतलब बनता है इस तरह का तीखा टिप्पणी करने का। और उनको ज्यादा पता है क्या कि कौन कहाँ रिश्ता भेजा है, और वो करीबी है ना, तो कितना म्यूजिक दिया है वो पवन सिंह को अपना गाना बनाने के लिए, और कितना पवन सिंह के साथ गाना गाया है वो, खुद को वायरल करने के लिए ऐसा बयान देते हैं। और कुछ नहीं, कोई करीबी नहीं है वो उनके। और बस इतना कहूंगा, सबको देखा जाएगा, समय आ रहा है। मुझे लगता है कि इन सबको मौका इसलिए ज्यादा बोलने का मिल रहा है क्योंकि पवन सिंह खुद सामने आकर कुछ नहीं कह रहे। मेरा मानना है कि उन्हें खुद इस मामले पर आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष का बहुत बदनामी हो रहा है, तो ऐसे क्या फायदा। बता दें कि इतना सब कहने वाले ज्योति सिंह के भाई का नाम मनचंद नारायण सिंह है, और उन्होंने अपने तेवरों से साफ उस शख्स को लताड़ा है जिन्होंने हाल फिलहाल ही में पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते पर बयान दिया है, यानी कि अक्षय सिंह को सपोर्ट करते हुए काफी कुछ कहा है। अब ये शख्स कौन है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में ये मामला आगे कितने और तूल पकड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।